अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जब मैं छत पे गई थी तो मैंने उसको देखा कि वो हमारे घर के सामने खड़ा है। ये क्या उसने हरकत की? मैं अभी देखता हूं उसको जाकर। अगर हमारे घर के इज्जत से खेलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जितनी बुरी है ना, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। गजब खुदा का, कितनी तेज तरार हो तुम। तुम्हारी आंतों में जख्म है, ये सारे खाने तुम्हारे लिए जहर है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो ना तो इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। आपको पता है वो बदतमीज फिर मेरा पीछा करके यहां तक आ गया था। कश्माला, क्या ख्याल है, पुलिस में कंप्लेन कर दी जाए? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मी तो जान छूट जाएगी ना। ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं असल में तुम्हारा रिएक्शन देख रहा हूँ। सच्ची? हाँ जाहिर है, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा मुझे बताए, आपने मेरे चूजों को देखा था? नहीं, ये नहीं देख सका मैं। बंदा ना दाना ही डाल देता है। नहीं, नहीं, सुबह तुम दाना डाल के गई हो ना, पानी भी डाल रहा तुमने तो। फिर कश्मारा, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो कश्माला, माजी की जो ख्यालात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें मायूसी और नाकामी दिखाई देती है। आगे बढ़ो, आगे जो ना रहे उसकी अहमियत को और जस्तुजू को भूल जाओ, दुनिया आसान हो जाएगी। क्या आपकी जिंदगी आसान हो गई? शायद बोल। अबे एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। कहाँ है बंदा? इसको बोल वहीं रुक आ रहा हूं मैं। जब धंधा छोड़ने का सोचो कोई ना कोई ढांचा गले पड़ जाता है यार। चल नादिर मियां, शराफत की रोटी तेरे नसीब में नहीं है।
ये देखें, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, कॉन्वोकेशन डे की पिक्चर्स हैं वसीम की। अच्छी है, आगे क्या इरादा है वसीम से? मास्टर्स करेगा सियासत में। तो यानी बाप के नक्शे कदम पर चलना है। जाहिर है भाई साहब, खानदानी पेशा है उनका। अब देखिए हालात, मेरा ख्याल है सियासत को छोड़कर अगर किसी और मजमून में उसको मास्टर कवर लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? क्यों भाई साहब, अच्छा है ना कि नई नस्ल मुल्क की बागडोर संभाले। मगर हालात देखो ना आप, डिप्रेशन, भूख अफलास, दहशतगर्दी वगैरह। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन एक नौजवान नस्ल का ही सियासतदान मुल्क के हालात संभाल सकता है? हम अपने घर की लाइटें बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, लाइटें ऑन करेंगे तो पता चलेगा कौन क्या चाहता है। सोच अच्छी है भाई, ऐसी मजबूत सोच से तो हालात भी सही हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप तो हमेशा से लेफ्टिस्ट रहे हैं भाई साहब। मुझे पसंद नहीं है भाई, इसीलिए आपकी खान साहब से भी नहीं बनती ना। नहीं, नजरियाती इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। और इसीलिए आप चाहते हैं कि वसीम भी कुछ और करे? नहीं, दरअसल रईस साहब, मैं ये चाहता था कि उसको फौज में भर्ती करवा दिया जाए। कड़ियल जवान है, चाको चौबान है, फौज को भी ऐसे लड़कों की तलाश होती है। उसकी दादी भी यही चाहती थी, लेकिन खान साहब और खुद वसीम सियासत में आना चाहता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि उस लड़के वाले मसले का क्या हुआ? किस लड़के का? वही कश्माला और हाँ। अब तो उस लड़के का कोई भी ताल्लुक नहीं है कश्माला के साथ, और आप भी कश्माला के बारे में अपने मुंह से कोई फजूल बात नहीं करेंगे। भाई साहब आप कुछ ज्यादा फेवर नहीं कर रहे उसे? मैं जानता हूं कश्माला को, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान की साख को नुकसान पहुंचे। वैसे आज नादिर नहीं है, मजा नहीं आ रहा। पापा तू अपने खेल पर तवज्जो दे, ऐसे मवालियों के साथ घूमे फिरेगा ना तो तू भी पुलिस की नजर में आ जाएगी। यार नेमत भाई, मैं ना उसको समझाता हूँ कि सुधर जाए। तो तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान जाए? कह रहा था कि कोई लड़की पसंद आ गई है उसको, क्या पता उसके खातिर बदल जाए। कोई किसी की खातिर खुद को नहीं बदल दी। नवादा ही मोहब्बत ना बहुत कुछ करवाती है। नेक बाबा कामी, जिसे तू मोहब्बत कहते है ना वो मोहब्बत नहीं है, जो तेरी समझ में मोहब्बत किसी और बला का नाम। तो फिर क्या है? हाँ बस है, भूख है तुम लोगों की, जब वो भूख खत्म हो जाती है तो तुम लोगों की चाहत मिट जाती है। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन लेकिन क्या? 11वीं पास हूं, ड्राइवर हूं, दुनिया के इतने रंग देखे कि आदमी को देखकर बता सकता हूं कि वो अंदर से बाहर जैसा है या बाहर से अंदर जैसा है। अच्छा नहमद भाई, फिर बताएं मैं अंदर से कैसा हूं? तू नीले रंग का है।
अरे मेरे बेबी के भाई, खेल भाई, खेल पे तवज्जो दे। नेमत भाई, ये गेम तो मेरी है। ये मैं जीत गया, नेमत भाई से पहली बार जीत गया। ओ भाई मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। कैसे बाबा, आरजी खुशियां जानलेवा साबित होती। एक और हो जाए, हो जाए। आजा बैठ जा। क्या मतलब बैठ जाओ? मैंने तुझसे पहले भी कहा था मुझे बात करनी है तुझसे। ओ भाई चलो जाओ यहाँ से। भाई भाई नहीं हूँ मैं तेरा। तो मुझे क्यों तंग कर रहे हो? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? शादी करनी है तुझसे। पता भी है मैं कौन हूँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो? हाँ पता है मुझे, जिंदगी है मेरी। तुम ना वाकई पागल हो। देखो ऐसे किसी की बहू बेटी को ना रिश्ते में नहीं रोकते, बुरी बात होती है, समझे? ये बेटी तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन बहू वाली बात तूने झूठ बोली है ना। देखो तुम जो कोई भी हो ना, मैंने तुम्हारा घर में बता दिया। अगर आइंदा तुमने मुझे परेशान करने की या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के हवाले करवा दूंगी। करवा दो। तुम ऐसे बाज नहीं आओगे ना? मोहब्बत बाज ही नहीं आने देती है मुझे। तो फिर अंजाम के लिए ना तैयार हो जाओ बेटा। जो दिल चाहे बोल, बनेगी तो मेरी। पता वता तुम्हें है कुछ नहीं, तुम्हें जो सोचना है ना समझ लो, समझ आ रही है? बहुत ज्यादा खुदसर नहीं है? डर नहीं लगता है तुझे? डर जैसी चीज भी ना खौफ खाती है मुझसे, समझे? भटो। ओ हेलो, नाम तो बता दे। शहजादी, ये क्या कर रही है तुम अपने साथ? मुझे लगता है कि तुम ठीक होना ही नहीं चाहती। कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हें पता है तुम डिप्रेशन में चली गई हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हारी इस हालत की वजह से ना नेमत पे बड़ा असर पड़ रहा है, बहुत परेशान है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहबा। सब्र करना पड़ेगा, इसके सिवा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। सब्र की भी तो हद होती होगी डॉक्टर साहबा। सब्र की ही तो कोई हद नहीं होती, फिर दिल मुतमईन क्यों नहीं होता? बेसुकून क्यों रहता है? कोई तो हद होगी ना। अगर सबर की हद होती ना तो अल्लाह ताला इतना अजर नहीं रखता। अब अजर ही चाहिए। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। मैं बस यही कहूंगी कि अल्लाह से दुआ करो और सब्र करो। मरने वाले का सब्र तो आ जाता। जिंदा का सब्र कैसे करूं?
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भाभी की बीमारी इतनी बड़ी है। मेरी अपनी समझ में नहीं आता, मैं उसे क्या कहूं, कैसे समझाऊं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, एक और बच्चा पैदा कर ताकि भाभी का दिल लगा रहता, लेकिन तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। उमा नहीं बन सकती। क्या मतलब? मधेरे के आदमी ने जब उसे जख्मी किया था तभी वो उसकी हालत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अभी कभी दोबारा मां नहीं बन सकती। ओहो, पर इलाज तो हो सकता है ना? बस ये गलती होगी मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरी कश्यो वापस चाहिए। नेमन भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानो। बोलो। कशु अगर होती तो अब तक कहीं ना कहीं से मिल जाती। क्या मतलब है तेरा, मेरी कशु जिंदा है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है, मुमकिन है कि वो किसी और मुल्क में चली गई हो। कौन उसको किसी और मुल्क भेजेगा, उस पर इतना पैसा कौन खर्च करेगा? करते हैं नेमत भाई, जब लोग बच्ची को 10 लाख में खरीद सकते हैं तो मजीद कुछ पैसे देकर किसी और मुल्क में क्यों नहीं भेज सकते? हराने मेरे भाई, हराने। वैसे एक बात कहूं, कशो ना मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। तूने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना उसे ढूंढने में। तो नेमत भाई ये बात आपको भाभी को समझाना पड़ेगी। हाय, क्या बोलूं उसे, कैसे समझा। अच्छा नेमत भाई, वो डॉक्टर साहबा ने बताया था, उस रिपोर्ट में क्या निकला? बढ़िया, तुम्हें जख्म है। डिप्रेशन बढ़ गया तो वो कैंसर बन जाएगा। ऐसा ना बोल, पागल है क्या? तो दवा नहीं खाती, बीमारी उसकी बढ़ती जा रही है, जिंदगी से दूर होती जा रही है। नेमत भाई, अल्लाह रहम करेगा, अब क्या बोल सकते हैं। भाभी के लिए ना किसी और लड़की को बोल बाल के ना ले आते, कशो बना के हैं। वो माँ है, माँ है वो, रामा नहीं कर सकते उसके साथ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो इतना, क्या मसला है? ये आप उस रिक्शे वाले से पूछें कि अगर वो टाइम पे नहीं आ सकता ना तो हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे। आज फिर नहीं आया वो? नहीं, रोज का नाटक लगाया हुआ है उसने, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। चलो मैं बात करता हूँ उससे। तो गर्मी से दिमाग खराब हो जाता है और ऊपर से एक नया आजाब मेरे गले पड़ गया। कहा भी है मैंने आपको कि आप उसकी कंप्लेन कर दें पुलिस में, लेकिन नहीं। फिर रास्ता रोका उसने,
रोज का तमाशा बन गया उसका। कोचिंग जाऊं, कॉलेज जाऊं, बाइक लेकर आ जाता है, बोलता है बैठो बैठो बैठो, बैठ ही ना जाऊं मैं भी। ऐसा करो, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर मुझे नोट करके दो, मैं थाने में जाके बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करती हूँ मैं ना, कल उसका फिर इंतजार करूंगी। अगली बार आएगा ना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाऊंगी, उसके घर का नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब पूछ लूंगी उससे। अगर आप कहें तो चाय पानी का भी पूछ लूं। अपनी इस नाकिस अकल को जितना मैं कहूं उतना इस्तेमाल करो। ऑफिस से बाहर होती जा रही हो तुम, मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर फिर हाथ उठाऊं। अगर कोई आदमी आके आपको तंग करे ना, कैसा लगता है फिर पूछूंगी। घर से जब बंदा निकलता है ना, तो अपनी हिफाजत खुद करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल के मैं किसी भी कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर दूं। लेकिन पत्थर उठा के आप दे तो सकते हैं ना, निशाना तो दुरुस्त करो। मैं आपसे ना बहस ही नहीं करना चाहती। तो मैं समझा रहा हूं, तो समझ भी नहीं आ रही, परेशान हो गई हूं मैं। अच्छा चलो, उसका हुलिया बताओ मुझे, फिर मैं जाता हूँ थाने। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं शहजादी का इलाज नहीं कर सकती। पर डॉक्टर साहिबा, रिपोर्टें तो आपने ही निकाली है ना? इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं, उसे बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शहजादी की बीमारी बढ़ती जा रही है, मैं इसे मामूली पेट दर्द नहीं कह सकती अब। वो ठीक तो हो जाएगी ना? घबराओ नहीं, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। कितना खर्चा आ जाएगा उसके इलाज पर? पैसों की तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम खुद कर लेंगे। कैसे फिक्र ना करो, उसके अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? हम जानते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। सारी जिंदगी हिम्मत में ही तो गुजार दिया मैंने, और क्या किया मैंने? नेमत, मैंने एक बड़े डॉक्टर से बात की है, सर्जन है, कल बुलाया उन्होंने। देखो, हो सकता है कि हमें शहजादी को एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में। बस मेरी शहजादी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जीनत, क्या हुआ शहजादी को? कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। या अल्लाह, ये क्या हो गया अचानक? इस औरत को चाट खाना, गोल गप्पे, अंडे वाला बर्गर, लेकिन अल्लाह जाने, इसके साथ साथ इसके अंदर का डिप्रेशन, बीमारी की जड़ कब बन गया पता ही नहीं चला। मुझे लगता है ये खाने का शौक भी नॉर्मल नहीं है। होता यही है, डिप्रेशन के मरीज अक्सर एबनॉर्मल अंदाज में खाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जिस्म में तेजी से हरकत में आ जाते हैं। इसका इलाज मुमकिन है, अगर शहजादी अपने डिप्रेशन से निकल आए तो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है।
शहजादी की बीमारी बढ़ती जा रही है। मैं इसे मामूली पेट दर्द नहीं कह सकती अब। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरस का सबब बन गया है। क्या कहा? कंप्लेन तो दर्ज कर ली है तुमने। शुक्र है कोई चोरी नहीं की, उसने कुछ सामान लेकर नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने शोर मचा दिया था और वो शोर सुनकर डर के भाग गया। पहले हमारे घर में ऐसा हुआ नहीं। मुझे भी हैरत इसी बात से है क्योंकि मेरी आदत है सोने से पहले हर ताला हर कुंडी चेक करके सोने की। फिर वो घर में कैसे आ गया? क्या पता तुमने ही कोई ताला खुला छोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? रईसा बाजी, मेरी आदत है हर चीज चेक करके सोने की। रईसा बेगम, आपके दिल में अगर कोई बात है तो कह दो। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या ही बोलूं अब। अच्छा, आपको लगता है कि मैंने उसको घर में बुलाया था? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम खुद ही मान रही हो। वैसे बेगम, बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है रईसा बेगम। ये भाई साहब, जब से इस लड़की ने रिक्शे में आना जाना शुरू किया ना कोई लड़का पीछा करता हुआ घर तक पहुंच ही जाता है। आप एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रही है मुझ पे। आप ये नहीं देख रही कि अगर मैं शोर नहीं मचाती तो आज इस घर में चोरी हो जाती। ये सब भी तुम्हारे ड्रामे हैं। अच्छी तरह समझती हूँ मैं सब कुछ। कोई ड्रामे नहीं किए मैंने। तुम ड्रामे करती हो हमेशा से। पहले भाई साहब को अपने जाना फंसाया और अब कोई ना कोई लड़का घर में ले आती हो तुम। ये क्या बातें कर रही है? आपको समझ नहीं आ रहा? बोली जा रही है, मुझे कोई समझने की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने ना ये टटर करके जुबान दराज़ी मत करो। बस बस करो, अब इसी तरह लड़ती रहोगी? ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने हुदूद का ख्याल रखो। और कशवाला, तुम इस घर की मुलाजिम हो, ये मत भूलो। रईसा खातून, आप इस घर की मालकिन हैं।
आपका रवैया भी वैसे ही होना चाहिए। जी भाई साहब। कशवाला, सारे घर को चेक करो, कोई चीज कम तो नहीं, हो सकता है कोई कीमती चीज उठा के ले गया हो तो बाद में हम पछताते रहे। जाओ देखो जाओ।